एक भी दिन शायद ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन मैं सुबह 12 बजे घर से निकल के रात को 10 बजे ना आया हूँ, और रामनगर और माडा की गर्मी में एक एक ऑडिशन में जाके लाइन में खड़े होकर धक्के ना खाए हूँ। अब तो सारे ऑडिशन घर से ही होते हैं, लेकिन पहले हम लोग रोज जाया करते थे अलग अलग, एक एक स्टूडियो में दो दो ढाई ढाई घंटे हम लोग खड़े रहते थे एक छोटी सी आर्ट का ऑडिशन देने के लिए। एक एक्टर तो मतलब मुझे रिप्लेस ही करवा दिया था बिकॉज ऑफ लुक्स, मतलब उनके साथ वो कैमरा शेयर नहीं करना चाहते थे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से हमारी बातचीत चली है, फैंटम फिल्म्स के साथ अनुराग कश्यप जी से बनाने जा रहे थे, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट भी रहा 5 साल, पर कुछ ना कुछ हर जगह कोई समस्या आती थी, तो इतना इंतज़ार करते करते आखिर में हमने कहा चलो एक हम खुद ही बना लेते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं india.com जी मीडिया एंड दिस इज तान्या गर्ग, एंड वेल इन कॉन्वर्सेशन टुडे वी हैव विद अस द कास्ट ऑफ द अलायंस ऑपरेशन मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। यू नो पहले तो आई हैव टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू सर, क्योंकि आया और इतना अच्छा रिसेप्शन मिल रहा है, यू नो विद इन टू डेज देर आई थिंक व्हेन आई लास्ट चेक देर 62K यू नो अराउंड व्यूज, एंड आई थिंक अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑन दैट। यू नो इनफैक्ट आई हैव टू से कि वेल आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन सर, लोगों ने लिखा हुआ था थैंक यू टू द मेकर्स फॉर ब्रिंगिंग बैक देयर चाइल्डहुड। यू नो जब लोग ऐसे कॉमेंट्स लिख रहे हैं तो हाउ आर यू फीलिंग, एंड आई हैव टू ऑल्सो नो वॉट डू यू फील मिस्टर विक्की। मैं बताता हूँ, 1984 में हमने ये डेवलप किया था सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट, और आज इसको ऑलमोस्ट 4 दशक होने को जा रहे हैं, और ये सब जो सपना था हमारा और 4 दशक में जो हमारे रीडर्स थे जो फैंस बने उन सब का सपना आज जाके पूरा हो रहा है, तो ये देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है और बहुत ज़्यादा खुशी भी इसको देख के मिल रही है। और जिस तरीके से लोगों का रिसेप्शन मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये अब और आगे जाएगा। एंड व्हाट यू हैव टू से? जी एक एज अ फिल्म मेकर रिस्पांसिबिलिटी है बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत लोगों का चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है इन कैरेक्टर्स के साथ, तो मैं खुद भी फैन रह चुका हूँ इन कॉमिक्स का, तो हाँ मेरे लिए तो आप सोच लीजिए कि डबल पैशन था इस चीज़ को बनाने का, और इतना सारा प्यार देके यही चाहते थे हम कि हमें यही मिले लोगों से, और यही लोग क्योंकि हमने खुद लिखते हुए या बनाते हुए यही फील किया था, तो फैन से भी जब ऐसा ही रिस्पांस मिल रहा तो बहुत अच्छा लगा। या एनीथिंग टू ऐड ऑन शुभम? पहले तो संजय सर और विक्की सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड जब ये किरदार मुझे मिला था मुझे पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आने वाली है और इतना सारा प्यार मुझे मिलने वाला है। I am really glad and I am really thankful. How lovely. You know also, जब मैं वो मूवी देख रही थी तो मैंने देखा कि आप लोगों ने लिखा हुआ था कि जिस तरह जो भी इनपुट्स होंगे कुछ भी कमी रही हो तो यू आर ओपन टू सजेशंस, एंड इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग कि लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड थे कि लोगों ने सजेशंस दिए हैं। आई एम श्योर आपने कॉमेंट्स देखे होंगे, तो लोगों ने जो भी कमेंट्स या जो भी थोड़े बहुत चेंजेस बोले हैं, डू यू थिंक कि आगे जाते हुए स्टोरी में आप लोग उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? यू नो लाइक आई मीन हम चाहते यूट्यूब पे रिलीज करने का एक रीज़न हमारा यही था कि लोगों का डायरेक्ट फीडबैक हमें मिले, क्योंकि हमें पता था कि हम एक कन्फाइंड बजट में एक रिस्ट्रिक्ट बजट में हम ये चीज़ बना रहे हैं, तो हमें पता था इसका क्रिटिसिज्म भी कुछ आएगा कुछ लोगों को ऐसे, तो हम चाहते थे कि हमें मिले फीडबैक, वो हम आई थिंक इन कमेंट्स आई डोंट थिंक कि नेगेटिव या कुछ वैसा, वे मोस्टली तो पॉजिटिव ही है, बट अगर जो भी है तो वो ओपिनियंस रिव्यूज की हम आदर करते हैं उसका, और जो जो चीजें हम उसमें अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे हम करेंगे, चाहे वो कहानी हो या वो कॉस्ट्यूम्स हो और भी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं सबको लेके जिन भी लोगों ने जिस भी तरह की सलाह दी है सब हम उस पर ध्यान दें। कॉस्ट्यूम पे तो आपने ध्यान दिया है, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग कि कैसे ये एलिमेंट आप अपने इंटरव्यूज में भी लेकर आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। यू नो बॉलीवुड लैंग्वेज में इसे मेथड ड्रेसिंग कहते हैं, सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट यू गाइज आर डूइंग दैट। ऑल्सो यू नो वी कैन हैव टू आस्क यू कि आप थोड़े से भी स्केप्टिकल थे यू नो इन अ सेंस कि क्योंकि इंडियन फैंस सुपर हीरो से मार्वल और DC सिनेमाज से रेजोनेट करते हैं, तो क्या थोड़ा सा वो था कि कहीं कहीं ना कहीं कंपेरिजन ना हो, उसको लेके थोड़ा सा डर रहा आप लोग के मन में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे मन में, क्योंकि हम लगातार 38 सालों से कॉमिक्स पब्लिश कर रहे हैं, और ये जो कंपटीशन देखा जाता है ये तो शुरू से हमारे साथ है, तो हम जिस तरीके से अपनी कहानियों पे काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने इस मूवी को लेके शुरुआत की, तो ये सब चीज़ें हमें
हमारी जो कमियां हैं, जो हमारी जो मजबूती है करेक्टर्स की, सब हमें मालूम थी। तो जो भी कुछ ये आना था ये हमारे को पता था पहले से। शुभम, कमिंग टू यू, मुझे जानना है कि हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट, ये आपके लिए कैसे हुआ, कैसे ये एक अपॉर्चुनिटी आप तक आई और क्या था जो आपने बोला कि करना तो है ये? इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब जो हमारे किसी डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं किसी के थ्रू देखा था कहीं। अच्छा। तो इन्होंने मुझे डीएम किया हुआ था और वो डीएम मेरे वो रिक्वेस्ट में कहीं चला गया था। तो 3 महीने ऑलमोस्ट मैंने इनका डीएम देखा नहीं था। ओह माय गॉड। तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैंने नोटिस नहीं किया होगा जो भी। तो उसके बाद आई थिंक 3-4 महीने के बाद इन्होंने इसकी कास्टिंग शुरू करी और जो कास्टिंग जो कर रहा था उन्होंने बट उसके बाद फिर मैंने इसका ऑडिशन दिया ऑफ कोर्स, तो सर को अच्छा लगा, सर ने मुझे बताया। पर मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं था राज कॉमिक्स, या मतलब कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ा था मैं बचपन में, मतलब मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में ज्यादा रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मतलब इसका जो फैन बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब SCD जो मैं सुपर कमांडो ध्रुव का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो सब लोगों का सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर है। मतलब हर किसी को वो पसंद है, किसी को कोई और पसंद हो ना हो ये जरूर पसंद है। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला एंड आई एम रियली थैंकफुल। सो लवली। सो मतलब शुभम, थोड़ा सा भी डाउट था लेके प्रोजेक्ट को, क्योंकि यू नो बहुत, जैसे यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर अ सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया, तो एक ऐसा होता है ना कि कोई ग्लैमरस फिल्म हो, यू नो आई हैव टू बी लाइक प्रॉब्ली से धर्मा प्रोडक्शंस, तो वो वाले डाउट्स थे कि यार क्या मैं पहला वेंचर ऐसे करूँ, बिकॉज आई थिंक इवन विकी मेंशन कि इतना हाई स्केल बजट नहीं है फिल्म का। सो वो डाउट थे मन में क्या? नहीं, वो मैं पहली बात तो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं कहता, मैं एक्टर ही बनने गया हूँ बॉम्बे और मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कभी कोई रियलिटी शो वगैरह भी नहीं किया, मैं हमेशा से क्लियर था। और अभी से पहले मैंने करीबन 70-75 टीवी एड्स किए थे, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए आई थी, जो मुझे मतलब पहले भी ऐसे 2-3 बार हुआ था जहाँ मैं लॉक हो गया था बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करी थी। बट आई थिंक जब मैंने राज कॉमिक्स के बारे में पढ़ा ऑफ कोर्स ये करने से पहले, तो मुझे पता था कि इसका जो फैन बेस है बहुत ही बड़ा है और मतलब जो लोग इसको चाहते हैं ना वो इसको देखेंगे ही देखेंगे। और मेरे लिए भी एज एन एक्टर एक अपॉर्चुनिटी है टफ सिचुएशन में काम करने की। अगर मैं टफ सिचुएशन में अच्छा करूंगा तो जब मुझे इजी ब्रेड एंड बटर वाली चीज हो जाएगी फिर तो मेरे लिए बहुत मतलब वो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इस सिचुएशन में और मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई शूट में, सर ने मेरा विकी सर ने संजय सर ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, मुझे कहीं पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। बजट कॉन्स्ट्रेंट था लेकिन फिर भी इट वॉज वेरी वेल डन एंड स्मूथली, इट वॉज लाइक डन। बेचारे इतने थके हुए होते थे शूट पे, जहाँ इनको मिलता था कहीं चेयर हो या उस पे, तो वहाँ पे लेट सो जाते थे। अभी उतने नखरे नहीं बढ़े हैं ना तो ठीक है, और कभी बढ़ेंगे भी नहीं। मतलब जितना मुझे लगता है जितना आप हम्बल रहो अपने काम के लिए और चीजों के लिए, उतना लोग भी आपको और बुलाते हैं, आपके साथ और काम करना चाहते हैं। रोल मॉडल रोल भी तो आपको सुपर मंडल दूंगा, तो मेरे रोल मॉडल भी इतने बढ़िया है। Also, you know, Sanjay sir, आपसे भी, and Vicky, I have to ask you, कि why did you think कि limit, why did you limit yourself to YouTube? Why not, you know, bigger platform like Netflix, Z5 or even Amazon? मतलब वो क्यों नहीं था? Basically, हम काफी सालों से इसके movies या episodes बनाने पे लगे हुए हैं और किन्हीं कारणों से बड़े-बड़े production house से हमारी बातचीत चली है। पेंटा फिल्म्स के साथ अनुराग कश्यप जी से बनाने चाह रहे थे, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट भी रहा बहुत सा, पर कुछ ना कुछ हर जगह कोई समस्या आती थी। तो इतना इंतज़ार करते करते आखिर में हमने कहा चलो एक हम खुद ही बना लेते हैं। तो ये हमने खुद बनाया है, अभी भी हमारी बातचीत आगे चल रही है और मैं मानता हूँ कि जल्दी ही कहीं ना कहीं बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर सिनेमा पे देखने को मिलेगा। ऐसे कि संजय जी बता ही रहे हैं, उसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि फैंटम के साथ तो बहुत पहले का था, उसके बाद भी काफ़ी, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज इन्वॉल्व रहे हैं जो चाहते थे इस पे बनाना। इवन रणवीर सिंह जी का चल रहा था काफ़ी देर तक, नागराज का 1920 में उनका चल रहा था।
अच्छा। तो बट वही है कि बातों बातों तक चीज़ें रह जाती थी। तो हम मैं संजय जी के साथ कोई 8-9 साल से इन्हें जानता हूँ, तो हम बनाते थे प्लान कि कुछ बनाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे होता था कि बातें हो रही हैं बट फिर हो फाइनल प्रोडक्ट कहीं से बन नहीं पा रहा। तो हमने सोचा यूट्यूब एक मतलब कॉमन सब एक्सेसिबल है सबके लिए और सब आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। OTT में मे भी शायद व्यूज रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, उतने फैंस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक लाइव एक्शन में हम ला रहे हैं इसको फर्स्ट टाइम, तो हमें अपने फैंस को भी जगाना है वापस, जो इतने साल से अब शायद तो भूल के शायद उनको लग रहा है कि शायद हमारा सपना कभी सच ही ना होता। तो वही मोस्टली आप जैसे आपने कमेंट्स पढ़ा होगा, बहुतों ने ऐसा लिखा है कि हमारा हम अब इसके बाद मर भी जाएं तो मतलब हमारा सपना पूरा हो गया। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब चाहते थे कि, और उनको शायद नहीं पता था कुछ इस पे आ रहा है, तो YouTube पे उनको इजीली वो मिल जाएगा। ऑल्सो बिफोर आई वाइंड अप, मुझे जाना है ना, लोगों ने ये भी लिखा था कि उन्हें सारे कैरेक्टर्स की एक सेपरेट स्टोरी भी चाहिए। सो डू यू थिंक, मतलब क्या अब वो कंसिडरेशन में है कि हमें कमांडो ध्रुव की एक अलग स्टोरी मिलेगी, उनका एक बैकग्राउंड मिल सकता है? देखिए हमारा भी सपना वही है कि सबकी ओरिजिन स्टोरीज पे, क्योंकि इतनी वास्ट स्टोरीज है सब कैरेक्टर्स की, इतने सबके अलग अलग ओरिजिन है, उतने बड़े और इतने प्यारी स्टोरीज हैं, वो तो चाहते तो हम भी हैं, बट एक ही सीरीज में उनको तो थोड़ा और ये बांध अब टूट गया है तो हाँ हो सकते, हम चाहते हैं कि आए और भी आए ओरिजिन स्टोरीज में। शुभम, कमिंग टू यू, डू यू थिंक कि थोड़ा सा आसान था बिकॉज यू वर अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, आई तो वुड लाइक टू से एज दैट ओनली, कि डू यू थिंक कि थोड़ा सा आसान था यू नो टू गेट इन टू मूवीज, जैसे कि सर ने भी रिकग्नाइज किया, डू यू थिंक दैट वॉज ईजी, अ लिटल ईजियर फॉर यू देन द रेगुलर बैच? नॉट एट ऑल, नो, क्योंकि 2018 में आई थिंक मैं बॉम्बे शिफ्ट किया था और 2020 लॉकडाउन से पहले तक 1.5 साल एक भी दिन शायद ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन मैं सुबह 12 बजे घर से निकल के रात को 10 बजे ना आया हूँ, और रामनगर और माडा की गर्मी में एक एक ऑडिशन में जाके लाइन में खड़े होकर धक्के ना खाया हूँ। तो इन्फ्लुएंसिंग तो मैंने स्टार्ट ही अभी मेरी ये मूवी के बात करी, मैं आपको सच्ची बताऊँ तो अगर आप मेरी वीडियोज देखोगे तो अगर इंस्टाग्राम पे भी जो है मेरा अभी मैं फैशन कॉन्टेंट बनाता हूँ, वो मैंने सितंबर अक्टूबर से शुरू किया और हमने मूवी शूट करी अगस्त में। तो इसका उसका उस चीज से कोई लेना देना था ही नहीं, कभी भी नहीं था। तो जो मतलब मेरी जो पहले की मेहनत थी, जो मेरे कॉन्टैक्ट से असली मेरी जीत वहां थी जब वो जो कास्टिंग वाले जो थे उन्होंने मेरी फोटो इनको भेजी, तो वो मैंने कमाया क्योंकि वहां जाके हर एक इंसान से मैं मिला हूँ पर्सनली। हम लोग मतलब मैं क्या जितने भी एक्टर्स हैं सब लोग बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे, अब तो सारे ऑडिशंस घर से ही होते हैं, लेकिन पहले हम लोग रोज जाया करते थे अलग अलग एक एक स्टूडियो में, 2-2, 2.5-2.5 घंटे हम लोग खड़े रहते थे एक छोटी सी एड का ऑडिशन देने के लिए। तो वो जो वो टाइम था वो बहुत अच्छा टाइम भी था, और उस टाइम पे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट्स बनाए लोगों से पर्सनली जो कनेक्टेड थे। अब जैसे नए जो बच्चे आते हैं, जो नए एक्टर्स आते हैं, वो लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाते, तो हम लोगों ने वो चीज जो कमाई है वो कमाई है। बाकी इन्फ्लुएंसिंग तो एक आज के टाइम पे मैं कहता हूँ एक आपको क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो ही गया कि आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, मतलब हर किसी को चाहिए कि यार फॉलोअर्स होने चाहिए, आपको एक रीच दे देते हैं आपके इंस्टाग्राम वाले, बट एक्टिंग का उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने पीछे भी देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग के लिए उन्होंने अप्रोच किया मतलब बड़ी बड़ी मूवीज में, और मैक्सिमम लोग फ्लॉप ही हुए। एक दो से जो अच्छा करे, जो अच्छी एक्टिंग करे, क्योंकि 10 सेकंड की रील के पीछे और 1 घंटे की मूवी, 1.5-2 घंटे की मूवी में एक्टिंग करना बहुत डिफरेंट चीज है, एक एक सीन में एक कैरेक्टर को। एंड आई थिंक डेस्टिन्ड ही था शुभम इस रोल के लिए, क्योंकि हमने उस दौरान जिसने बताया नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ जैसे पीछे बता रहा था कि हमने और भी कुछ 2-3 एक्टर्स को किया था ध्रुव के लिए जो हमें लग रहे थे लुक वाइज जाएंगे, बट शुभम का 3 जगह से, जैसे मैंने एक बार इसको अप्रोच किया था जब ये नहीं, और एक बार जो हमारे राइटर जी हैं सनी जी, वो संजय जी और वासु जी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जो उन्होंने भी इनकी तस्वीर कहीं देखी थी तो इनको भी उनको भी अच्छा लगा था, तो कह रहे थे इन 3 में से ये वाला सही जा रहा है लुक वाइज। फिर जब मैंने कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू गया तो उन्होंने भी सबसे पहला इनका दिया, और इन्होंने जब ऑडिशन दिया तो मुझे लगा कि नहीं यही वाला है, और मुझे लगता है कि ये डेस्टिन था कि यही राइट इट वाज मेंट टू बी।
इतना वैलिडेशन डायरेक्टर से और यू नो फ्रॉम संजय सर है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मतलब मैंने संजय सर की जो फैन फॉलोइंग है वो मैंने देखी है। मतलब लोग उनसे एक बार, मतलब मुझे ना सच्ची में, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शायद सर को भी अभी तक ये बात नहीं बताई क्योंकि सर से मिला नहीं मैं। मुझे बॉम्बे से कितने लोगों के कॉल आ रहे हैं, मतलब कि वो उन लोगों का सपना था, मतलब जो थोड़े मेरे से बड़े हैं एज में 8-10 साल, उन लोगों ने एक तो मुझे देख लिया, मतलब वो पहले से जानते थे और उन्होंने मुझे ये रोल देगा, उन्होंने उसके बाद आखिर में सबने मुझे एक बार कॉमन बोली, भाई हमें ना एक बार संजय सर से मिलवा देना, अगर वो हमसे कुछ भी काम करवाना चाहेंगे ना मूवी में, कुछ मतलब एक्टिंग नहीं कह रहा, कास्टिंग हो, असिस्टेंट हो, कुछ भी कह रहे हम फ्री में कर देंगे, बस सर के साथ हमें एक बार जुड़ना है, सर के साथ एक बार काम करना, मतलब वो चीज देख के मतलब अब मुझे मतलब सारी चीज रियलाइज हो रही है कि मुझे कितनी बड़ी चीज मिली है और मतलब सर के साथ काम करने का मौका मिला, राइट। अभी भी हम जहां जहां गए हैं Everyone knows Raj Comics, और मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ जानते हैं, मतलब they are die hard fans, कि मतलब पढ़े हैं कि मतलब सब लोगों का ऐसे सपना पूरा हुआ है। तो I think ये छोटी सी शुरुआत अभी हमने करी है, जो कि संजय सर definitely इसको बहुत ऊपर लेके जाएंगे और इसे बहुत बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे, बाकी छोटी छोटी जो कमी है वो तो ठीक हो ही जाएंगे। ऑल्सो बस वाइंड अप करने से पहले मैं शुभम आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपके स्ट्रगल वाले डेज थे, यू नो कभी ऐसा रहा कि कोई चीज बिल्कुल फाइनलाइज हो गई और एंड मोमेंट पे रिप्लेस हो गए? मैं शूट पे जाके, सेट पे जाके रिप्लेस भी हूँ और शूट पे जाके, सेट पे जाके, और मैं ये आपको छोटे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं बता रहे, बहुत बड़े जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ ये चीजें हुई है मेरे, मतलब एक एक्टर तो मतलब मुझे रिप्लेस ही करवा दिया था बिकॉज ऑफ लुक्स, मतलब उनके साथ वो कैमरा शेयर नहीं करना चाहते थे, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। और एक दो बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी वजह, कोविड के टाइम पे एक मेरा बहुत बड़ा शूट था, 19 मार्च को आई थिंक हम लोगों की 19 मार्च, राइट, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई थी 15 मार्च को, एक मेरा बहुत बड़ा शूट था और जो एक्ट्रेस थी वो प्रेग्नेंट थी एट दैट टाइम, तो वो आई नहीं थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो सेट था वो बहुत बड़ी आर्ट थी मेरी लाइफ की, शायद वो सबसे बड़ी आर्ट होती तब, लेकिन वो हुआ नहीं था। ऐसे होता है, बहुत बहुत होता है ऐसा कि हम लोग मतलब फाइनल हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। एक धर्मा की, जैसे आपने मूवी बोली, मैं सबसे पहले धर्मा की मूवी के लिए लॉक हुआ था, मैंने उसका ऑडिशन दिया था एक बहुत बड़ी कास्टिंग के, वहां फिर धर्मा के ऑफिस गया, फिर यशराज के स्टूडियो में गया, लॉक हो गया, उसके बाद मुझे रिप्लेस कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि काम अच्छा करो, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आप धर्मा के लॉन्च हो रहे हो तभी आप बहुत बढ़िया काम करोगे, आप कहीं पे भी काम करो, अच्छा काम करोगे तो आप रिकॉग्नाइज हो ही जाओगे और आपको फ्यूचर में अच्छी चीजें मिलेंगी। आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू। वेल ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा बात करके, यू नो थोड़ी सी यादें ताज़ा हुई, बिकॉज इट्स राइटली सेड सर, जैसे लोग कह रहे थे कि उनका चाइल्डहुड रिफ्रेश हो गया, आई होप कि ये सीरीज आगे, मतलब ये मूवी आगे और कंटिन्यू हो, जल्दी आए। यू नो लोग ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि इंटरेस्ट अब बढ़ गया है, चाहते हैं कि वो चलता रहे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।